हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक समॉल और आज हम बात करते हैं माइक्रोमैक्स के मॉडल के बारे में। ये माइक्रोमैक्स का मॉडल देखिए क्या है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। देखिए X751, ठीक है, देख लीजिए X751 ये मॉडल नया मॉडल है माइक्रोमैक्स का। तो मैं आपको थोड़ा दिखा दे रहा हूँ, देखिए थोड़ा पीछे देख लीजिए मॉडल क्या है। X751, ठीक है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको बता दे रहा हूँ। देखिए देखिए, अभी मांग रहा है फोन पासवर्ड, इसमें पासवर्ड डाला हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे रिमूव करेंगे हम इस वीडियो में आज जानेंगे। ओके दोस्तों, तो मैं आपको इसका जो फ्लैश फाइल है और फ्लैश टूल और जितने भी ड्राइवर हैं मैं सब दे दूंगा आपको। तो आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है और स्टेप बाय स्टेप मैं बताते जा रहा हूँ, आप उसे करिएगा, ठीक है। तो पहले देखिए, मैं जो दूंगा आपको, जो दूंगा फ्लैश टूल दूंगा वो है आपका SPD अपग्रेड टूल, ठीक है। देखिए ये जो टूल है SPD अपग्रेड टूल, देखिए आप पूरा नीचे आइएगा तो यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर लिखा होगा SPD अपग्रेड डाउनलोडर। तो इसको आप ओपन यहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया रन। तो देखिए आपका टूल ऐसा एक खुल जाएगा, ठीक है। ऐसे टूल खुलने के बाद तो यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर सेटिंग में, और यहाँ पर आप जहाँ पर रखे होंगे फ्लैश फाइल, ठीक है। तो हमारा जो डेस्कटॉप पर है फ्लैश फाइल, डेस्कटॉप पर देखिए यहाँ पर है, तो इसको ओपन कर लीजिए और यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लीजिए। ये टाइप देखिए क्या है, पैक फाइल है, ठीक है। ये जो मॉडल है ये हमारा स्पेडरम CPU है, MT के नहीं है। तो हम इसको इसमें फ्लैश करेंगे, क्लिक करने बाद यहाँ पर हम कर लीजिए ओपन। ओके, तो देखिए यहाँ पर आ गया और फ्लैश SC6531 का हमारा क्या है इसका CPU। तो अभी क्या करेंगे आप, यहाँ पर हम करते हैं स्टार्ट बटन, देखिए यहाँ पर कर लेना है स्टार्ट। ओके, स्टार्ट करने के बाद तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए जो सेट है इससे बैटरी आप निकाल लीजिए पहले, और अगर बैटरी लगा लीजिए, ठीक है, और पीछे का कवर भी अच्छे से आप लगा लीजिए। लगाने के बाद आपको देखिए जो मिडिल की है ना, जहाँ पर टॉर्च लाइट दिया हुआ है, इसको बोलते हैं बूट की, इसको प्रेस करके आपको केबल को लगा देना है। तो देखिए अभी यहाँ पर फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। थोड़ा आप देख लीजिए अच्छे से चल रहा है। ओके, देखिए यहाँ पर क्या लिखा, देखिए यहाँ पर लिख दिया है पास्ट, मतलब 100% अभी फ्लैशिंग कंप्लीट हो चुका है। तो हम अभी क्या करेंगे, केबल को निकाल लेते हैं। ओके, तो अभी हम यहाँ से बैटरी निकालते हैं और एक बार बैटरी लगाते हैं यहाँ पर, और अभी सेट को ऑन करते हैं। देखिए अभी सेट ऑन हो गया है अभी,
देखिए अभी सक्सेसफुली फोन लॉक चला गया है, ठीक है। इस पर आपका फोन लॉक आ गया या फिर सिम लॉक, प्राइवेसी लॉक कुछ भी आया है तो आप ऐसे इसको हटा सकते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, वीडियो देखने के लिए अगर आपको ये अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए और मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए। थैंक यू दोस्तों।